हेलो फिन फार्मर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आज लायला की तरफ से भी हाय। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। अब आज के एपिसोड में हम एक्स डैग की माइनिंग की प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यू करने वाले हैं। आज मुझे पूरे 10 दिन हो गए एक्स डैग माइन करते हुए। एक्स डैग में सिर्फ दो ही सीपीयू से माइन करा था, एक राइजन 5 3600 और एक इंटेल सेलेरॉन। सेलेरॉन में तो ना के बराबर की हैश रेट थी, बट स्टिल राइजन 5 में मुझे हैश रेट मिल रही थी। एंड मैंने सिर्फ ये दोनों सीपीयू सोलो पूल में यूज करे। सोलो पूल में पूरा लक बेस चलता है, लेकिन अगर मैं वहीं इक्वल्स में कर रहा होता तो जितने भी रिवॉर्ड्स थे वो सब में बराबरी के बढ़ जाते। मैंने कहा नहीं, चलो लक बेस खेलते हैं, और वो भी दो सीपीयू से कि कितने रिवॉर्ड्स हम जनरेट कर सकते हैं और क्या एक्चुअली सोलो माइन करना मेरे लिए प्रॉफिटेबल था या नहीं। मैं ऑलरेडी xdag.org पर ही हूँ। अब मैं नीचे जाऊंगा शो वर्कर डिटेल्स में, अपना बस वॉलेट एड्रेस डालना है शो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे इसने दो वर्कर्स दिखा दिए, लकी और लकी टू। लकी टू इज सेलेरॉन, ठीक है। लकी इज मेरा राइजन 5 3600, ठीक है। तो अब एक्सप्लोरर पे जाना है ताकि मैं बैलेंस चेकआउट कर सकूं। तो मेरा बैलेंस इज 473.86, मतलब 473 हो गया। मैं 473.86 रहने दो, ठीक है। तो अगर मैं 473 अभी कैलकुलेट करूं, अच्छा इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि पूल ना मेंटेनेंस पे चला गया था जब मैं माइन कर रहा था, तो समवॉट ना बीच में इक्वल्स में माइन करने लग गया था, क्योंकि सोलो जो था वो इसका बंद हो गया था, क्योंकि सोलो मेंटेनेंस पे चला गया था। तो ऑटोमेटिकली सोलो वाले जो थे वो इक्वल्स पर शिफ्ट कर दिए गए थे। तो यहाँ पर जब वो इक्वल्स में आया तो इसलिए उसने मेरे ये छोटे छोटे अमाउंट्स माइन करने शुरू कर दिए। बट अगर आप सोलो में देखोगे तो सोलो में मुझे 62.7 मिल रहा है, मतलब 62.7 ब्लॉक रिवॉर्ड था, 64 की फीस कटने के बाद मुझे 62.7 रिसीव हो रहा है। एंड मैंने 5 ब्लॉक्स फाइंड करे, ठीक है। ये जो 2 ब्लॉक्स है ना सबसे ऊपर वाले, कल ही माइन करे गए हैं। मतलब 10 दिन में मैं माइनिंग कर रहा था, पहले 3 दिन में मैंने करीबन 2 ब्लॉक्स माइन करे, चौथे दिन में शायद 2 ब्लॉक्स और माइन हो गए थे, एंड फिर 3-4 दिन तक कोई भी ब्लॉक माइन नहीं हुआ था। उसके बाद कल जाके एकदम से 2 ब्लॉक हो गए, क्योंकि वही लक बेस्ड फैक्टर पे चलते हैं। माइन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं भी हुआ। अगर मैं एक दिन में भी 2 या 3 ब्लॉक्स माइन कर रहा हूं तो जस्ट वो प्योरली लक है, और हो सकता है मैं एक हफ्ते में एक ब्लॉक भी नहीं माइन कर पा, ठीक है। एनीवेज ये बाकी जो थे ये इक्वल्स में चले गए, तो मैं इसको प्रॉफिट में ऐड करूं कि 10 दिन माइनिंग चली है। बीच में एक दिन माइनिंग ऑफ थी, ठीक है, मतलब 11 दिन हो चुके हैं वैसे, लेकिन बीच में एक दिन माइनिंग ऑफ करनी पड़ी थी ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी का इशू। तो इसलिए मैंने वो एक दिन हटा के मैं अभी 10 दिन कर रहा हूं, क्योंकि उस दिन मेरी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं हुई, माइनिंग रिग्स बंद ही थी। तो मुझे जाना है कॉइन एक्स पे। तो कॉइन एक्स पे अभी जो एक्स डैग ट्रेड हो रहा है दैट इज 0.0123 डॉलर्स का, वैसे नंबर अच्छा है 0.0123। एनीवेज अब मुझे जाना है कैलकुलेटर पर, ठीक है। तो मैंने माइन करे हैं 473 एक्स टैग एंड इनटू में 0.0123 डॉलर्स, ठीक है। मैंने 5.8179 डॉलर्स माइन कर लिया, मतलब मैं 5.8 ही गिन रहा हूँ, 179 छोड़ दो, ठीक है 5.8। अब इनटू में हमारा यूएसडीटी अभी इंडिया में जो ट्रेड हो रहा है दैट इज समवेयर अराउंड 86 रुपीज, 26 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैंने ऑलमोस्ट 500 रुपए का रेवेन्यू जनरेट करा है सिर्फ सीपीयू माइनिंग से, और वो भी 10 दिन में, ठीक है। अब मुझे इससे निकालनी है अपनी कॉस्टिंग ताकि मैं अपना प्रॉफिट भी एस्टिमेट कर सकूं। तो अगर मैं अपनी कॉस्टिंग की बात करूं तो मेरा राइजन 5 जो है वो 80 वॉट्स कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, 80 वॉट्स वो कंज्यूम कर रहा है, प्लस जो सेलेरॉन है वो मेरा 35 वॉट्स कंज्यूम कर रहा है, तो 115 वॉट्स हो गए। अब 115 वॉट्स इनटू, अब मेरी माइनिंग कितनी चली है, 24 घंटे चली है। अच्छा अब 115 को मैं एक चीज भूल गया, 115 को हमें किलो वॉट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सके। 0.115 किलो वॉट्स में कन्वर्ट हो गया ये, 0.115 इनटू, अब ओ ये क्या हुआ, 0.115 इनटू मेरी इलेक्ट्रिक माइनिंग रिग्स 24 घंटे काम कर रही है, 10 दिन काम करिए, अब इनटू इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मेरे यहाँ पे अराउंड 6 रुपीज के आसपास पड़ता है कोई यूनिट, मैंने 6 से मल्टीप्लाई, तो मतलब 165.6 रुपीज, मतलब 170 समझ लो, 170 रुपीज की मेरी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है एंड 500 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। मतलब अगर मैं इसको वापस से क्लियर करूँ तो 500 - 170 330 रुपीज का प्रॉफिट सिर्फ मेरे सीपीयू ने जनरेट करा है, और वो भी 10 दिन में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ग्राफिक कार्ड के थ्रू माइनिंग कर रहा होता ना तो ग्राफिक कार्ड की माइनिंग इस टाइम इतनी ज्यादा अनप्रॉफिटेबल चल रही है कि मैं एक महीने में भी 330 रुपए का रेवेन्यू एक ग्राफिक कार्ड से जनरेट नहीं कर सकता। बट यहाँ पर एक्स डैग में सोलो माइनिंग में मुझे अगर 330 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है तो इतने में लायला के लिए हड्डियों का पैकेट आ जाएगा एंड शील बी वेरी हैप्पी।
अभी मैं बुलाऊंगा ना हड्डी और से वो भागती भागती आ जाएगी इधर, ठीक है, अभी ज्यादा देर बोलना नहीं है। तो हाँ, मेरे लिए XDAG की माइनिंग काफी प्रॉफिटेबल रही है, एंड अगर मैं अपने सारे CPUs मोनेरो से शिफ्ट करके XDAG पर कर दूं तो डेफिनेटली यहाँ पर मेरा लक फैक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मेरी खुद की हैश रेट बढ़ रही है सोलो माइनिंग पर। तो अगर मेरी हैश रेट बढ़ रही है मतलब मैं अपने ही सोलो ब्लॉक्स माइन करने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करूँ, तो यहाँ पर मैं अपने प्रॉफिट को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकता हूँ। और XDAG पे सोलो माइनिंग करने का ये रीजन भी था क्योंकि इसका जो पूरा नेटवर्क हैश रेट है वो काफी कम है, लाइक 26.54 मेगा हैशेस का। लेकिन अगर मैं मोनेरो पे सोलो माइनिंग कर रहा था तो लाइक इट्स लाइक अंधेरे में तीर चलाने जैसा काम, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतना ज्यादा नेटवर्क हैश रेट है कि मैं सोलो माइनिंग करके शायद 2 साल भी बैठा रहता तब भी जाके मैं ब्लॉक फाइंड नहीं कर पाता। तो इसलिए मैंने XDAG में करी, एंड मोनेरो में अगर मैं पूल माइनिंग भी कर रहा हूं तो उसमें भी मुझे 330 रुपए का प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ है 10 दिन के अंदर अंदर, वो भी सिर्फ 2 CPUs से। और अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो मुझे 330 रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि अगर मेरी CPUs लाइक अगर मेरी माइनिंग रिग में राइजन 5 लगा रहा है, मेरी माइनिंग रिग में सेलेरॉन भी लग रहा है, तो वो स्टिल पावर कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर वो 80 वॉट्स कंज्यूम करनी है तो वो 0 वॉट्स कंज्यूम करेगा अगर हम ग्राफिक कार्ड से माइनिंग कर रहे हैं, नहीं, वो समवेयर अराउंड 50 वॉट्स तब भी कंज्यूम कर ही रहा है। तो मैं एक्स्ट्रा 30 वॉट्स उस पर ऐड करके अगर अपने प्रॉफिट्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करूं तो व्हाई नॉट। एंड सेम मेरा सेलेरॉन के साथ भी है, सेलेरॉन एक आइडल पोजीशन पे 25 वॉट्स के अराउंड लेता है, 10 वॉट एक्स्ट्रा खींचकर माइन कर रहा है मेरे लिए, तो व्हाट, व्हाई नॉट। इनफार्मर्स, अब XDAG माइनिंग शुरू करनी है तो XDAG अभी 2 ही क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, हम लास्ट वीडियो में भी देखा था कॉइनएक्स एंड एक और में था, दूसरे में लिक्विडिटी ना के बराबर है। अकाउंट बनाना है तो कॉइनएक्स पे ही बनाना, एंड डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ही बनाना, क्योंकि आपको अप टू 20% ऑफ मिल जाएगा आपकी ट्रेडिंग फीस पे फॉर एवर, एंड जो आपका परसेंटेज आपको ऑफ मिल रहा है वो आपके प्रॉफिट्स में ही ऐड होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, अब वीडियो में यहां तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को बिना लाइक बटन प्रेस करें मत जाना, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिनफार्म को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।